तो छत्तीसगढ़ में बीएड काउंसलिंग 2023, जी हाँ, इस समय जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो है बीएड। आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड का कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बढ़ चुका है। जी हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 14,400 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जो है कुल टोटल आपके जो है बीएड कोर्स के लिए। 14,400 सीटों के लिए जो है 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो 2 लाख कैंडिडेट्स में सिर्फ 14,400 स्टूडेंट को ही कॉलेज मिल पाएगा, उनको ही सीट अलॉट हो पाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो जिनके सपने हैं, जिनका ड्रीम्स है, मुझे बीएड कोर्स करना है, मुझे शिक्षक बनना है, क्योंकि बिना बीएड के आप जो है शिक्षक नहीं बन पाएंगे और आपके आगे के रास्ते भी नहीं बन पाएंगे अगर आपका नंबर कम है। क्योंकि बीएड में अगर हम बात करें, मेरिट लिस्ट अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा पूरा मेरिट लिस्ट सूची, तो कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अच्छे से नंबर लाया है, तो उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। जहाँ तक बात करें गवर्नमेंट की सीटें की, तो 14,400 सीटों में सिर्फ 250 सीटें, जी हाँ, सिर्फ 250 सीटें ही आपके जो है छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए जो है गवर्नमेंट की सीटें हैं, बाकी जितने भी सीटें हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। अगर हम बात करें तो बीएड के लिए किसी कॉलेज में जो है 50 सीटें हैं, किसी कॉलेज में जो है 100 सीटें हैं, अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है आपके 100-100 सीटें रहते हैं बीएड कोर्स के लिए। और बीएड जो है बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, जिससे उसमें पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग कराया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरह से आप टीचर बनने के लिए कैपेबल हो, टीचर्स बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या विशेष क्वालिटी जो गुण है वो होने चाहिए, रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, प्रेजेंटेशन किस तरह से देना है, बच्चों के सामने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से समझाया जाता है। तो आपको कौन से कॉलेज में जो है बीएड करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बीएड करने के लिए टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं जिसमें आप जो है बीएड करेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा और आपको बीएड के बारे में सभी चीज़ों के बारे में जो है बेहतर और एक अच्छा नॉलेज जो है मिल पाएगा। आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट के फीस के बारे में, तो बीएड में जो है गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ आपका जो है 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक बस होता है। जी हाँ, 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक ही आपका फीस होता है, ज़्यादा नहीं होता। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जो है 27,000 से लेकर 30,000 रुपये तक आपको जो है फीस लगता है। अलग अलग कॉलेज में जो है आपका अलग अलग रहता है, यानी कि अराउंड आपके 55 से 60 हज़ार रुपये में आपका बीएड जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 55 से 60 हज़ार रुपये पे कीजिए और उसके बाद बीएड हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि काउंसलिंग जो है कैसे करना और छत्तीसगढ़ व्यापा में बीएड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, फॉर्म आपको कैसे भरना है 2023 में, जी हाँ, यही सबसे ज़्यादा हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में बीएड में कितने रैंक कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, फ़ीस कितना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको फ़ीस बताया, किस तरह से सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ आपके जो है बस्तर में जो है आपके बीएड के लिए अच्छा कॉलेज है, जगदलपुर में है, बिलासपुर में आपका जो है डॉक्टर सी वी रमन कोटा बिलासपुर है, बहुत अच्छे से कॉलेज हैं जहाँ आप जो है बीएड कोर्स कर सकते हैं और बहुत से कॉलेज हैं। लेकिन बात यह है कि कितने रैंक वाले, कितने नंबर, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारा 67 नंबर है, 40 नंबर है, 50 नंबर है, लेकिन उनका परसेंटेज कितना बन रहा है वो एग्जैक्ट उनको पता ही नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे फिर भी नहीं आ पाएगा, लेकिन जिनका एक मिनिमम कम से कम नंबर है, जिनका 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर है, उन स्टूडेंट का प्राइवेट कॉलेज सीटें मिलने के चांस है। लेकिन कह नहीं सकते कि उनको परफेक्ट कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, 2 लाख स्टूडेंट के बीच में कॉम्पिटिशन होना है 14,400 सीटों के लिए। अब मैं मेरिट लिस्ट और मेरिट सूची दिखा देता हूँ, कट ऑफ जो है कितना है, किस तरह से सिलेक्शन जो है होगा। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है प्री बीएड 2023 का जो है मेरिट लिस्ट है कितना ज़्यादा आपका हाई है, देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है आपके जो है, देख सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चंस का आपका एग्ज़ाम्स है, 100 नंबर प्रत्येक प्रश्न आपके एक नंबर के, जिसमें जो है स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से नंबर जो है लाए हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका नंबर तो बहुत ज़्यादा है। 100 क्वेश्चन में 88 नंबर जो है लाए हैं, 88 नंबर है, 87 नंबर है, 86 नंबर है, 85 है, 84 है, 83 है, 82 है, इन्हीं स्टूडेंट्स को ही कॉलेज मिल पाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इन स्टूडेंट्स को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि
सूची और लिस्ट जो है बीएड का बहुत ज़्यादा है। आपका देख सकते हैं कि 2738 पेज में है। तो देखिए, मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कामयाबी यकीनन दिलाता ज़रूर है। तो कि आपको क्या लगता है, जो 100 में से 88 नंबर 88 मार्क्स लाए हैं उनका ऐसे ही आ गया कि आज नोटिफिकेशन हुआ, कल उन्होंने बीएड के प्रिपरेशन किया और अगले दिन एग्ज़ाम दिया, देन उसका सिलेक्शन हो गया, ये ऐसा सोचते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। उन स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, अपना 100% दिया है, तब जाकर उनका 88 मार्क्स आया है, तब जाकर उनका 88 नंबर आया है। यूँ ही आपको कामयाबी नहीं मिलती, उसके लिए तपना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी जो है मिलता है। और बीएड जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी 14,000 नए शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आपके होने वाला है। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए अगर बीएड नहीं करोगे तो शिक्षक नहीं बन पाओगे। तो बीएड कोर्स जो है आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीएड कोर्स पर फोकस कर सकते हैं और काउंसलिंग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस करना। और जितना ज़्यादा आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा सफलता और उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। इसलिए बीएड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर बीएड में एडमिशन लेना है, आप जो है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली जो है हो पाएगा। तो देख सकते हैं कि टॉपर बहुत ज़्यादा नंबर आया है, 73 नंबर 72 नंबर वाले हैं। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लिस्ट हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता था कि हमारा 60 नंबर 50 नंबर आ गए मतलब सिलेक्शन ले पाएंगे, तो यहाँ पर तो कैंडिडेट्स की भरमार है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो उनमें आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। मेहनत के ऊपर ध्यान दो, इस बार अगर सफलता ना मिले कोई बात नहीं, अगली बार फिर से तैयारी कर सकते हो, या फिर जिनको अगर बीएड का प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है आप वहाँ से भी कोर्स कर सकते हो और आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे। तो इसलिए मेहनत जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी आपके सपने, तभी आपके ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। सो जितना ज़्यादा हो सके काम करना, जितना ज़्यादा हो सके जो है मेहनत करना। और बीएड से रिलेटेड और कोई भी अपडेट्स हो, जानकारी हो, तो आप जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग पर ही फोकस करना है। टॉप 10 जो 10 कॉलेज सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उन्हीं कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली जो है हो पाएगा। तो मेहनत अच्छे से करो, तैयारी अच्छे से करो। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आगे बढ़िए।